तो फिलहाल जिया लेकर के बैठी हुई है जी गिफ्ट को जो मिला हुआ था हमें अमित भाई के यहाँ से। इसके अलावा एक और जो दमदार गिफ्ट है, हमें लगता है कि सबसे खास गिफ्ट हमें मिला था। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो हम लोग जी आ गए हैं अपने घर। जी हाँ, हम लोग का दिल्ली का जो सफर था, दिल्ली और कानपुर का लगभग हुआ था 12 दिन का। तो वह 12 दिन का सफर जो है फिलहाल हो गया है समाप्त और हम लोग घर आ गए हैं। और यहाँ से जो है 2 या 3 दिन बाद जो है हम लोग फिर से हम लोग निकलेंगे किसी और नए सफर पर। जी हाँ, हमारे मामा जी है और मामा जी का एक लड़का है, उसकी शादी होने वाली है। तो उसकी शादी में जो है सभी लोग जाएंगे, हम जाएंगे, मम्मी जाएगी, जिया जाएगी, क्रियांश जाएगा और साथ में हमारी दो मौसी भी जाने वाली है, नैन्सी की मम्मी, मेरी बहन और आभा मौसी। बिल्कुल जी, तो सभी लोग जाने वाली है। क्या कमेंट आया हुआ था? आभा मौसी नहीं दिखती है, बहुत दिन से आभा मौसी नहीं दिखती। कोई बात नहीं जी, तो आभा मौसी अब जो है अब आपको दिखेगी। तो हम लोग जो जाएंगे बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल जी, तो हम लोग चलेंगे, परिवार जा रहे हैं, मेरे पिताजी का ननिहाल है। और हम इस बात के लिए अपने भाई मनोज को जितना भी धन्यवाद देते हैं वही कम है, क्योंकि पिताजी का ननिहाल आज उज्जीवित कर दिया और हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अपने बड़ों से मुलाकात करेंगे। सही बात है जी, बिल्कुल। तो हम लोग चलेंगे वहाँ पर। और फिलहाल क्रियांश जो है अपने दादी घर आते ही एकदम है फुल फॉर्म में, ऐसा लग रहा है कि हम आ गए हैं, मेरा जो इलाका है वह आ चुका है और इसी इलाके में जो है खूब अपने रंग में आ जाना है। तो इधर से उधर अपना उसका भागा दौरी लगा हुआ है। तो फिलहाल जी आई हुई है रोटी बनाने के लिए, हम क्रियांश को पकड़ लेते हैं वरना कोई काम नहीं पड़ेगा। क्रियांश को रखने के लिए एक आदमी हमेशा 24 आवर्स चाहिए, एनी टाइम चाहिए। अगर जो उसमें मिस होगा तो क्रियांश अपना दूसरे का अपराध तो करेगा, खुद कान का पाठ होगा। क्या क्या करना है? आप जी बोल रहे थे, नमस्कार जी लोग बोल रहे थे, जी जी जी। तो यहाँ पर क्रियांश को देख सकते हैं जी। क्रियांश क्या लाया तुम? सेठ जी खिलौना से खेलना नहीं है और यही सब उठा उठा के लाना है? क्रियांश असली खिलौना से नहीं खेलता है, घर का जो काम का सामान है बस वही सब सामान है, डगड़ा, सूप, दूध झांपने वाला बर्तन, दाल रखने वाला बर्तन, वही सब से खेलना है इसको। ये देखो क्रियांश, क्रियांश ओए, हाय 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 हाय। हम लोग बहुत तंग हो गए हैं, दो दादी आ जाएगी परसों, दोनों को 10 रुपए तंग देंगे। दोनों दादी बैठेंगे, अब हम लोग बैठेंगे और दोनों दादी अपना करेंगे बस भाई। हम चाय खाना देंगे, क्या चाहते हैं दादी? 2 दिन में चले जाए इसकी रहे दादी के, वो भी दादी नहीं जाएगी इसलिए पागल हो जाएंगे। क्रियांश, हे क्रियांश, वाह 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 क्रियांश, वाह क्रियांश, वाह, अरे वाह बेटा, वाह बेटा, वाह बेटा, बहुत ही बेहतरीन काम किया। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जय 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 जय, हो गया ना? अरे बाप रे, कितना तारीफ करेगा भाई साहब, एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, है ना? वाह, कितना घुमाएगा अब देखो, उसमें चढ़ेगा, बैठेगा शायद, हाँ बैठेगा, देखिए भैया बस। हाँ हाँ हाँ, अभी पकड़े हुए नहीं तो कब का गिर जाएगा, ये देखो है, देखो इसको दीदी भैया, मजा आ रहा है उसको, उसमें ये देखिए क्रियांश अपने ड्यूटी पर लगा हुआ है। रुक ना, देखिए कितना वाह 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 वाह, ये बाबा का हो गया, आज सत्यानाश हो जाएगा उस बाल्टी का, सबको रखेगा बेटा एक एक। The next day. Good morning, राधे राधे। क्रियांश सो के उठ गया है और आज बहुत पहले उठ गया था, नहीं बहुत पहले उठ गया, 7 बजे से उठा हुआ है। हाँ, लेकिन इसको हम लोग जाने ही नहीं दे रहे थे कहीं, क्योंकि ये उठेगा जब एक बार तो पूरा रेस में आ जाता है, इसके बाद मम्मा के बच में नहीं है। क्रियांश है ना, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो, कहाँ जाएगा? नो 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 नो,
आज है सरस्वती पूजा और थोड़ा देर ये क्रियान जो है बदमाशी करेगा, फिर नहाई करेगा, पूजा करेगा, ठीक है? तुम पूजा करेगा, ठीक ठीक है? पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ है तुम्हारे से? पापा कहाँ है? पापा दांत काट रहा है जी, ये देखिए देखिए दांत कटेगा। चलो सॉक्स पहनो, चलो नहीं नहीं क्या सॉक्स पहन के जाओगे, ठीक है? बात है जी सरस्वती पूजा, और हमारे घर में जो है सरस्वती माता की पूजा जो है हो गई है, और उसके बाद जो है प्रसाद भी चढ़ गया है। तो सरस्वती पूजा का प्रसाद हम लोग को ध्यान है, बचपन में जाया करते थे और घुमा करते थे पूरा गली गली की कहीं पर जो है मूर्ति होगा और वहां पर जो है प्रसाद मिलेगा हमें। तो हमारा दोस्त कृष्णानंद अगर आज यह वीडियो को देख रहा होगा तो वह था मेरा पार्टनर। तो हम लोग जाते थे दोपहर से लेकर के रात तक, जितना देर घूमते थे हम लोग प्रसाद खाते थे। तो खुद ऐसा ही था सीन। माता सरस्वती की स्पेशल पूजा हम लोग कभी नहीं, उनकी पूजा हर पल हम लोग करते हैं, इसलिए कि माँ सरस्वती के माध्यम से ही मेरे घर में धान आता है और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर पीढ़ी में उन्हीं के माध्यम से धान आए और संसार के सभी सज्जन माँ बाप के बेटे का भी उसी के माध्यम से धान आए। तो फिलहाल जिया लेकर के बैठी हुई है जी गिफ्ट को, जो मिला हुआ था हमें अमित भाई के यहाँ से गिफ्ट है, और इसके अलावा एक और खास गिफ्ट जो है जो हमें मिला था और बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है, तो उसको जो लास्ट में आपको रिवील करेंगे। तो किस गिफ्ट को तो आपने देख लिया होगा। तो अमित भाई ने जो हमें गिफ्ट दिया है जी, चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हुए उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसको खोला जाए जिया, क्या है ये? इसको जब खोल रहे हैं तो सामान जो है एक भारी भरकम सा लग रहा है, यूज वाला ही चीज है जो कि आप खरीदना चाहते थे, मैं खरीदने नहीं दी। हाँ, यह बॉल है क्या? बॉल सेट है क्या? वाह वाह, कुछ रख सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट या कुछ भी, गेस्ट आते हैं घर पे आप इसमें करके रख सकते हैं और उसको दे सकते हैं। तो जिया इसको अभी खोल रही है क्योंकि इसको जो है अब सीधा यूज में किया जाएगा, लाया जाएगा। अच्छा वाह, क्रिस्टल है बिल्कुल एकदम पूरा। तो So much, अमित भाई बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया किट्टो जी, बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है और थैंक यू। ये है कि ना कि हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो बेहतरीन गिफ्ट मिला जी, थैंक यू अमित भाई और किट्टो जी, सच में जी मजा आ गया। और आप लोग ऐसे ही तरक्की करें, आगे बढ़े और इसी तरह से बेहतरीन बेहतरीन फंक्शन सब करते रहे, हम लोग आते रहेंगे, है ना? बिल्कुल जी। तो उसके अलावा एक और जो दमदार गिफ्ट है, हमें लगता है कि सबसे खास गिफ्ट हमें ही मिला था, कुछ स्पेशल गिफ्ट है या? सबको अच्छा गिफ्ट मिला था। हाँ हाँ, तो नहीं ये सोच रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा स्पेशल मिला क्योंकि इसका हमें जरूरत था। अच्छा इसका हमें जरूरत था। ओपन कहाँ से करें? ओपन, अरे बाप, पैकिंग भी बड़ा तगड़ा किया गया है। अच्छा है इधर से, ये खोलो खोलो खोलो, चाकू लाना चाहिए था। मुझे क्या पता इतनी दमदार पैकिंग होगी भाई। करो करो खोलो, नाखून तो है नहीं, मैं तो खुल जाते। खोलो। तो अमित भाई जो है इतना भारी भरकम गिफ्ट दे दिए हैं, हम लोग को भी अब कुछ ऐसा ही भारी भरकम देना होगा जब वो आएंगे। देना ही होगा ना। ये देखिए जी, कितना सुंदर सा है, बहुत ही बेहतरीन सा है, ट्रेवल करते समय जो है लेकर के इसको चल सकते हैं। और खाना सब इसमें गर्म रहेगा और साथ में यह है बोतल, बहुत सही है एकदम, मस्त मस्त। इसी में आप खाना भर के ले जाएंगे, गाड़ी में जब भी चलेंगे आप खाना भर के लेके चल जाएंगे इसमें। उसे जो अपना पुराना टिफिन सब स्कूल का वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, कोई बात नहीं अब यही काम दे देगा। तो जी यह था अमित और किट्टो जी के द्वारा जो है बेहतरीन सा रिटर्न गिफ्ट, तो थैंक यू जी। और गिफ्ट मैंने नहीं रखता है जी, मैंने रखता है आपका प्यार और सद्भाव, और हम मिला। बिल्कुल जी बहुत ही ज्यादा मिला, और हम लोग वहाँ पर गए तो काफी अच्छा लगा था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात हुई और सबसे जो ज्यादा अच्छा लगा हुआ था जी आपका व्यवहार, तो सही में जी मजा आ गया। और फिर से कृतिक को एक बार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बेटा आप मस्त रहो स्वस्थ रहो और अपने मम्मी पापा का जो है नाम ऊंचा करो। अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।